हेलो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भाई प्रणाम कैसे हैं आप सभी होप आप सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं तिमुल लेने तो अभी भाभी और मैं जा रहे तिमुल लेने के लिए पहले हम नीचे से दूध लेके आएंगे उसके बाद हम तिमुल लेने जाएंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करना चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ये चलिए चलते हैं और देखिए इस घर से हम लाए थे ये पन्नी इसमें हम तोड़ेंगे तिमुल और वो जो पेड़ आपको दिख रहा है ये है तिमुल का पेड़ लेकिन इसमें थोड़े कम तिमुल लगे हैं अभी हम दूसरे पेड़ से तिमुल तोड़ेंगे फिर आपको दिखाएंगे तो ये एक दाना यहाँ पर पका हुआ है ये लाल तिमुल को का खाते हैं इसके अंदर से शहद भी निकलता है और जो ये कच्चे तिमुल आपको दिख रहे हैं इनकी सब्जी भी बनती है जो मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाई थी तो इसमें बहुत सारे लगे हैं लेकिन अभी भाभी चढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन चढ़ नहीं पा रही है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो पेड़ फिसलन हो रहा है भाभी सोच रही है कि जाऊँ नहीं जाऊँ अभी ये नहीं जाएगी अभी हमने नीचे से ही एक तोड़ लिया है वो मुझे दे रही हैं तो अब हम आ गए हैं दूसरे पेड़ में यहाँ पे बहुत सारे तिमुल लगे हैं लेकिन ये तिमुलों को ना इसके अंदर शहद होता है पके तिमुल के अंदर तो कीड़ कीड़े बैठे हैं इनके अंदर इस पेड़ में बहुत सारे तिमुल लगे हुए हैं लेकिन वो ऊपर को लगे हैं तो हम जा नहीं पाएंगे और ये एक तिमुल हमको मिल गया है ये ये बहुत टेस्टी होता है ये इस ये जो है इसके अंदर शहद भी है इसके बाहर का पोर्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसके अंदर का ही खा रही हूँ ये बहुत टेस्टी होता है और शुगर वालों के लिए ये अच्छा होता है कच्चा तिमूल अच्छा होता है पक्का तूमिल तिबुल में तो मतलब शहद होता है तो कच्चा तिमुल ज़्यादा अच्छा होता है शुगर वालों के लिए तो मैंने पूरा खा लिया है और ये बहुत टेस्टी भी हो रहा था इसके बाहर का चिक्कन मैंने नहीं खाया तो अभी भाभी कह रही है कि यहाँ चूर होते हैं तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं चूर लेने मैंने आज तक चूर देखे भी नहीं हैं तो अभी हम जाते हैं चूर लेने यहाँ बहुत ख़तरनाक रास्तों से हमको जाना पड़ता है नीचे चूर लेने के लिए ये बहुत मीठा फल होता है बोल रही हैं ये अब पता नहीं मैंने तो आज तक खाया नहीं है तो यहाँ की वीडियो मैं आपको पूरी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है और यहाँ बहुत सारे जोंक भी लग रहे हैं तो हम आ गए चूढ़ ले कर और भागभी के पाओ में बहुत सारे जोंक भी लगे हैं ये तो पत्ता है लेकिन जोंक अभी दिखाऊँगी मैं आपको अभी बहुत सारे जोंक इनके पाव में लगे हैं ये देख सकते हैं ये निकलते भी नहीं है बहुत कोशिश करने के बाद उनको निकालना पड़ता है तो हम ला गए हैं इतने ज़्यादा चूर अभी हम मैंने एक दाना खाया तो ये बहुत टेस्टी हो रहा था मीठा मीठा आधे किलो के लगभग हम चूर ले आए होंगे अभी ये कच्चे हैं अब इनको पकाने डालेंगे कोई कोई पके हैं जो पीले पीले दिख रहे हैं वो पके हैं और जो हरे हैं वो नहीं पके हैं हम इसको पकाने के लिए डालेंगे तो अब हम जा रहे हैं घर को चूर लेके तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करना चैनल पर नए सब्सक्राइब